हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास एक वीवो का डिवाइस आया हुआ है जो कि Y16 इसका मॉडल है, और इस डिवाइस में जो प्रॉब्लम है वो गूगल लॉक का है, यानी FRP का प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में इसे विदाउट PC हम लोग बाईपास करेंगे, यानी FRP को। तो सबसे पहले अपने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करना है, जिस तरीका से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और मैं आपको कहीं पर भी मिस नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटिंग योर फ़ोन रेडी कह रहा है, तो थोड़ा होल्ड हो जाइए, ठीक है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट को भी इंटरनेट चाहिए चलने के लिए। तो थोड़ा उसे, ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना काम। उसके बाद इसे कर देते हैं हम लोग बैक। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा है डिफ़िकल्ट पर बाईपास ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन यानी वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन में आपको क्लिक करना है। फिर से आपको प्रेस करना है वॉल्यूम अप डाउन को, इससे आपका टॉक बैक जो है वो एनेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टॉक बैक आपका ऑन हो चुका है। उसके बाद इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, जिस तरीका से वीडियो में मैं जो बना रहा हूँ इसी तरीका से आपको बनाना है। ये देखिए, और सबसे फर्स्ट में डबल क्लिक करके आपको यूज़ वॉइस कमांड में बोलना है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। आपको ध्यान से देखिए क्या बोलना है, इसमें यूज़ वॉइस कमांड में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा गूगल असिस्टेंट। उसके बाद ओपन सेटिंग, ठीक है, गूगल असिस्टेंट ओपन सेटिंग, इतना आपको बोलना है। तो डायरेक्टली आप सेटिंग में इन हो जाइएगा, उसके बाद वापस से आपको वॉल्यूम अप डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस करना है, इससे आपका टॉक बैक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना, ये देखिए। चलिए सबसे पहले मैं इसका अपडेट दिखा देता हूँ कि इसमें लेटेस्ट चल रहा है, यानी ये देखिए, ठीक है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक का ये लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला डिवाइस है। ये देखिए Y16, ठीक है, जो कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में कहा, और एंड्रॉयड 12 पे ये रन कर रहा है, यानी एंड्रॉयड 12 है ये, और सिक्योरिटी भी इसका देख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। बाईपास करने में बहुत सारा झमेला हुआ, पर लास्ट में हम लोगों ने बाईपास किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है आपको। सिस्टम में देखिए, सिस्टम में भी आते हैं, और रीसेट ऑप्शन भी आपका काम नहीं करेगा। ये देखिए रीसेट ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि वर्क नहीं कर रहा, यानी काम नहीं कर रहा है। और ऐप्स भी आपका डिसेबल अनेबल ये जो करते हैं आपका, वो भी काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर आना है, और देखिए ईजी जो टच है इसको सिंपली आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पर इन्हें क्लिक कीजिए, और प्लस के आइकन में आकर आपको एक दो एप्लीकेशन है जिसे आपको इसमें ले लेना है, जैसे कि क्रोम ले लीजिए आप, हालांकि क्रोम का कोई काम नहीं है पर ले लेता हूं मैं, और इजी शेयर को ले लेना है। ये देखिए इजी शेयर, और फिर यहां पर मैं ले लेता हूं, सेफ्टी के लिए ले लेता हूं, ताकि मैं बैक हूं तो वापस आ सकता हूं, ठीक है। सेटिंग ले लिया, क्रोम ले लिया, इजी शेयर ले लिया, ठीक है। ये शॉर्टकट में इन तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है शॉर्टकट में, ताकि अगर आप FRP बाईपास के दरमियान अगर आपको बैक कर देता है तो आप इजली आ पाइएगा, ठीक है। अब आपको इजी शेयर को ओपन कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो है मैं मानता हूँ भाइयों, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा जरूर आप बाईपास कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोन में मानना है आपको, क्लोन फ़ोन, उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू फ़ोन और एंड्रॉयड, और इसे गो इट करना है। ये देखिए एंड्रॉयड, यहाँ पर इसे परमिशन देना है। उसके बाद ये स्कैनर इसका चालू हो चुका है। अब आपको एक और फ़ोन लेना है जिसमें आपको इजी शेयर डाउनलोड करके रखना है, और एक्टिविटी जो लॉन्चर है वो इंस्टॉल करके रखना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए दूसरा मैं फ़ोन लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोन लेना है, और आपको सबसे पहले उसमें प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद इजी शेयर इसे आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको एक्टिविटी लॉन्चर, इन दोनों को आपको अदर्स डिवाइस में, ज़रूरी नहीं है कि वो वीवो का हो, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर कुछ इस तरीका का लुक होगा वो, और इजी शेयर का तो आपको पता ही है।
तो चलिए सबसे पहले इजी शेयर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वापस से आपको क्लोन फोन में क्लिक करना है और ये ओल्ड फोन में करना है क्लिक, ठीक है। इसमें आपको ओल्ड में करना है ताकि आपका जो QR कोड है वो आ जाए और आपका जो लॉक वाला डिवाइस है उससे स्कैन कीजिए इसे। ये देखिए मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल इसी तरीके से अभी वीवो के टोटल डिवाइसों का FRP को बाईपास कर सकते हैं। कुल मिला के अभी यही ट्रिक जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको जो क्लिक लगा हो उसे अनक्लिक कर देना है ताकि फालतू का जो डिवाइस में ये सब ना जाए, है ना। तो चलिए इन सब चीज़ों को मैं अनक्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इन सब चीज़ों को अनक्लिक करना है। अनक्लिक करने के बाद आपको ऐप्स में आना है। ये देखिए ऐप्स, ठीक है। और एक्टिविटी लॉन्चर को आपको सिंपल है, एक ही बस एक्टिविटी लॉन्चर को क्लिक करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। अदर्स को लेने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका एक्टिविटी लॉन्चर से ही आप बाईपास होइएगा। तो फिलहाल इसे ये देखिए मैं इसे कर देता हूँ अलाउ और ये जा चुका है, ठीक है। एक्टिविटी लॉन्चर मेरा सेंड हो चुका। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ओपन करना है और कुछ यहाँ पर लोडिंग करेगा ये, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो आपने देखा कि मैं किस तरीका से यहाँ पर आया, इसी तरीका से आपको सेम करना है, आना है, ठीक है। अब आपका एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो चुका है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर देखिए, पहले आप क्या करते थे, एंड्रॉयड सेटअप जो है इसमें क्लिक करते थे और यहाँ पर आते थे, ये जो खाली जगह है इस जगह पर आप क्लिक करते थे तो आपका डिवाइस जो है बाईपास होने के लिए रेडी रहता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली आपको बैक कर देगा, ठीक है। इस जगह पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डायरेक्टली FRP जो है उस जगह पर आपको ला कर रख देगा वापस। ये देखिए, ठीक है। इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि शॉर्टकट को ले लीजिए। बाय द वे कभी आइएगा तो आप शॉर्टकट आपका काम कर देगा, ठीक है। यानी आप वापस से इजी शेयर में आ सकते हैं, फिर मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। ये देखिए ये जो मेथड है जो पहले हम लोग ट्राई करते थे वीवो के डिवाइसों में बाईपास करने के लिए एक्टिवेटेड लॉन्चर से, ये आपका वर्क नहीं करने वाला है। तो मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा उसी तरीके से आपका काम करेगा। ये देखिए आपको करना क्या है कि इस जगह पर आते थे हम लोग का काम नहीं कर रहा है, अब हम लोगों को नीचे की तरफ आना है। देखिए नीचे आइए, एकदम नीचे आ जाइए, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा थोड़ा। और ये देखिए एंड्रॉयड जो सेटअप है इसमें आपको क्लिक करना, कोई बात नहीं है, फिर से बैक किया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको सेम आना है। और ये देखिए मैं नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हो गया, ठीक है। कुछ इसी तरीका से आप कर सकते हैं, वरना तो भाई मुश्किल है आपको बाईपास करना, क्योंकि अभी जो वीवो का सिक्योरिटी चल रहा, चाहे वो FRP को लेके हो या फिर मीडियाटेक को लेके हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है FRP को बाईपास करना या फिर स्क्रीन लॉक को रिमूव करना। तो अगर आप FRP को निकालते हैं और बाईपास इस तरीके से अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो 100% करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपका खुद का हो तो बेस्ट है, अगर आप एक शॉप वाले हैं जो देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। तो ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, आपने देखा कि कुछ इस तरीके से आपका जो काम है वो सक्सेस हो जाएगा। तो ये देखिए गेटिंग योर फोन रेडी ये कह रहा है। मैं मानता हूँ, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा और शायद कुछ देर पहले भी मैंने आपको कहा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, पर अभी जो लफड़ा चल रहा भाइयों उसमें क्या किया जाए, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, मैं कभी नहीं चाहता हूं ये इस चीज़ों को। तो फिलहाल देख सकते हैं, वीडियो पे भी ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो भी बोलना ज़रूरी है और वीडियो में दिखा रहा हूं ये भी देखना आप लोगों को ज़रूरी है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मैं इस तरीके से अभी तक यहाँ पर आया और ये देखिए, ठीक है, आगे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ये देखिए कुछ कोड आया। ये अब आपको एक अदर्स डिवाइस ले लेना है, ये देखिए, ठीक है, एक अदर्स डिवाइस लेना है और इसे आपको कट कर देना है और जो गूगल असिस्टेंट है आपका जो अदर्स डिवाइस है उसमें आपको बोलना है, देखिए गूगल असिस्टेंट में बोलना है,
इसे प्रेस करके देखिए, बीच में होम मैं प्रेस करके रखता हूँ और बोलता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको बोलना है गेट स्टार्टेड जो है ये आपको बोलना है, तो आपका आ जाएगा और डिवाइस आपका स्कैन करेगा, देखिए सर्चिंग योर डिवाइस और कनेक्टिंग करने लगा, ठीक है। इतना ही आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट में, तो ओपन हो जाएगा। आप देखिए वेरीफाई ये कर रहा है और नेक्स्ट करना है, और इसे भी करना है कॉपी, नेक्स्ट करके आप अपने डिवाइस का जो लॉक है, अगर आपके डिवाइस में लॉक है तो लॉक दे दीजिए, और कॉपी योर अकाउंट अब ये कहेगा, और आपका जो अकाउंट है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा जो आपका FRP वाला डिवाइस है उसमें। फिर भी हम लोग यहाँ पर आए, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए, और इसे मैं कर देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ, कंटिन्यू सेटअप और योर डिवाइस ही 2214, ठीक है। मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, और वैसे भी भाइयों मेरे आपको पता होगा कि रोस्टेक पे कोई फालतू और फेक वीडियो नहीं बनता है, फिर भी आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और मेरे वॉइस देने में या वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम लगे वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर चेंज कर पाऊँ कुछ। जो चैनल में आपको कोई प्रॉब्लम लगता है उस चीज़ को ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, ठीक है भाइयों। तो फ़िलहाल ये ऐड हो चुका है अकाउंट, और इसे नेक्स्ट करना है, ये थोड़ा सा समय लेगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस वेट करना है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जो है सो स्किप करूँ मैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये अभी भी कनेक्टिंग टू योर ऑल डिवाइस से कर रहा है, पता नहीं अदर्स डिवाइस में, इससे पहले भी मैं वाइपर्स किया उसमें टाइम नहीं लिया, लेकिन इसमें काफ़ी समय ले रहा है, तो कोई बात नहीं है, अपने को वेट करना है सिर्फ। ये देखिए फिर से मैं क्या किया हूँ, इसे सेटिंग में एक बार दिखाता हूँ आपको फिर से ले जाकर, कि अकाउंट ऐड हुआ कि नहीं, देखिए नहीं, अकाउंट अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बोल रहा है अकाउंट ऐड, और इस जगह पर होल्ड कर रहा है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, कनेक्टिंग टू योर ऑल डिवाइस में आके ये आपको अटका दे। तो आपको करना क्या है इस जगह पर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। देखिए मैंने वेट किया, वेट करने के बाद अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस जगह पर भी हो सकता है भाई, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि वीवो का जो FRP है, चाहे वो Y16 हो या कोई भी वीवो का डिवाइस अगर आपके पास आता है लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला, तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है FRP को उसका बाईपास करना आज के डेट में। कल का पता नहीं, कल को क्या होता है ये तो आपको या हमको किसी को पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को यानी अल्लाह खुदा भगवान को पता है ना। तो खैर नेक्स्ट टाइम का मुझे पता नहीं है कि आने वाला कल क्या होगा, कैसा सिक्योरिटी होगा, फिलहाल आज इस तरीके से आप इसे बाईपास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना जो काम है वो कंप्लीट तो हो चुका है, पर मैं आपको दिखाता हूँ और आगे भी दिखाऊंगा एक बार अकाउंट ऐड हुआ कि नहीं, टोटल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है वीडियो को। ये देखिए अकाउंट में मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए SK सहवाज, ठीक है, मैंने आपको जो दिखाया वो एकदम राइट है, और रोस्टेक पर आपको कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये देखिए नीचे में आपको यहाँ पर, ठीक है देखिए दोनों में देख सकते हैं सेम अकाउंट है, तो कोई बनावटी वीडियो नहीं है, आप हो सकता समझ सकते होंगे, लेकिन देखिए फालतू का 14-15 मिनट में क्यों टाइम दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को एक बार फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं तो बेहतर होगा, अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका अकाउंट है, अगर आपको नहीं चाहते हैं कि आपका अकाउंट जाए